राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो अधीन, सोते रो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम जय राम, गाइए
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम दशरथ नंदन राजा राम कौशल्यानंद नंदन सीतारा नंदन सीता भद्रगिरीश्वर राजा गिरीश्वर गंगा तुलसी शालिग्राम तुलसी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरे राम 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 सीता राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 गाइए प्रेम से हरे राम 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 सीता राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए प्रेम से ना
हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय हाय जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मत्मिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब पल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविन्द दामो धर्माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की, गौ माता की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले समस्त वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। आप सब जानते हैं क्रमशः काल अवधि में चार युग माने गए हैं।
सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। आज से लगभग 11.5 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में एक बहुत बड़े असुर का जन्म हुआ और उस असुर का नाम था तारकासुर। क्या नाम था? तारकासुर। तारकासुर तपस्या करके बलवान हुआ, उग्र दारुण तपस्या करने के कारण, आसुरी वृत्ति होने के कारण देवताओं को सताने लगा। सारे देवता तारकासुर से पीड़ित होने लगे। समस्त देवताओं में ज्येष्ठ वरिष्ठ श्री ब्रह्मा जी हैं। तारकासुर के आतंक से भयभीत होकर समस्त देवता ब्रह्मा के पास गए, निवेदन किया कि आप तारकासुर से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारकासुर को वर्तमान में कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो तपस्या करके बलवान हो चुका है। तारकासुर को मारने के लिए एक ही व्यक्ति समर्थ है, और वो है शिव जी के अंश से जन्म लेने वाला कार्तिकेय। शंभु शुक्र संभूत सूत यही जीतहीन सोई। शिव जी के पुत्र के अलावा इसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन उन दिनों शिव जी का विवाह ही नहीं हुआ था, शिव जी समाधि में स्थित थे। अब शिव जी का विवाह होगा, विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म होगा और वह कार्तिकेय तारकासुर का वध करेगा, तब जाकर देवता निश्चिंत होकर रह पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, शिव जी का विवाह में जुड़वा सकता हूं, जुड़ाने का काम कर सकता हूं, लेकिन समाधि तुड़ाने का काम मैं नहीं कर सकता। सारे देवताओं ने कहा कि महाराज, ब्रह्मा जी आप जाइए, शिव जी का विवाह जुड़वाइए, हम समाधि तुड़वाने का काम करते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है तुड़वाने का। सारे देवताओं ने कामदेव को बुलाया, कामदेव को बहुत बहुत बातों में चढ़ाया। देवताओं की बातों में कामदेव आ गए और निवेदन किया कि शिव जी समाधि में बैठे हैं, शिव जी की समाधि को तोड़ो। कामदेव अपनी पूरी सेना को लेकर शिव जी जहां समाधि में बैठे थे कैलाश में आए, और कामदेव ने बहुत प्रयास किया कि शिव जी की समाधि खुले, परंतु ये तो बाबा जी परम विरक्त चुड़ामणि, शिव जी पूर्ण रूप से समाधि में स्थित थे। अंत में कामदेव को क्रोध आया, कोपेउ जब ही बारिच कर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। कामदेव को क्रोध आया और कामदेव ने अनेकों बाण छोड़े। कामदेव का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। बड़े दुख के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत संयमनाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकुशबुभागा। जैसे ही कामदेव ने अपनी माया को रची, पूरे ब्रह्मांड में कामदेव व्याप्त हुआ। कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, लोगों के ब्रह्मचर्य व्रत टूटने लगे, लोगों के संयम टूटने लगे,
दूसरों की तो क्या बात करे, बड़े बड़े मुनि साधु महात्माओं की समाधि खुलने लगे, सबके मन पिघलने लगे, सबका मन स्त्रियों की तरह स्वाभाविक आकर्षित होने लगा और स्त्रियों का मन पुरुषों की ओर आकर्षित होने लगा, क्योंकि कामदेव अपनी परम चरम सीमा पर पहुंच गया। एक छंद में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया। भय काम बस जोगी सतापस पावर नहीं को की कहे, देख ही चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। बड़े बड़े योगी संसार की समस्त वस्तुओं में भगवान का दर्शन करते थे। सिया राम मई सब जग जानी, जगत की सभी वस्तुओं में बड़े बड़े योगी जहां राम और सीता का दर्शन करते थे, काम का इतना प्रभाव कि जगत की सारी वस्तुओं में योगियों को स्त्रियों का दर्शन होने लगा और स्त्रियों को समस्त वस्तुओं में पुरुषों का दर्शन होने लगा। अबला विलो कहीं पुरुषमयी जगु पुरुष जग अबलामयम। तब गोस्वामी जी कहते हैं, जे राखे रघुबीर ते उबरे ताही काल महु। काम के प्रभाव से पूरी दुनिया आवृष्ट हो गई, रघुवीर भगवान राम जिसकी रक्षा करना चाहे केवल वही बच पाया। बहुत बड़ा सिद्धांत बताया कि काम का प्रभाव बड़ा प्रचंड होता है और काम के प्रभाव से एकमात्र भगवान ही बचा सकते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, कामातुराणाम न भय न लज्जा। जब किसी व्यक्ति के दिमाग पर काम सवार होता है, न उसे दुनिया का भय होता है, न उसे लज्जा होती है। जैसे समुद्र में तैरती हुई नाव को आंधी और तूफान कहीं दूर उड़ाकर फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार जब दिमाग पर काम सवार होता है तो मनुष्य की विवेक और बुद्धि को कहीं दूर उड़ाकर फेंक देता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वेद शास्त्र का पाठ करने वाले, बहुत बहुत ज्ञान रखने वाले भी जब दिमाग पर काम सवार होता है तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाते हैं। इस अवस्था में भगवान ही बचा सकते हैं। काम जो है, वैसे जगत में सभी चीज उपयोगी है, लेकिन उसका कुछ समय होना चाहिए, कोई पात्र होना चाहिए। वैसे तो भगवद गीता में कृष्ण ने काम को अपनी विभूति बताई। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ। मनुष्यों के हृदय में जो काम है वो स्वयं मेरा स्वरूप है। मैं कृष्ण ही लोगों के हृदय में काम के रूप में विराजता हूं, लेकिन वह कौन सा काम? धर्मा विरुद्ध भूतेषु, अधर्म से विरुद्ध जो काम है, अर्थात धर्म के लिए किया गया काम, ये भगवान का स्वरूप है। और अधर्म के लिए किया गया काम ये पाप का स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर इस धरती पर आए। महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया। वे कहते हैं, दारुवी प्रकृति है मुने रपी मन। साक्षात स्त्री की बात छोड़ दीजिए, स्त्री का कोई पोस्टर फोटो या लकड़े की कोई स्त्री हो वो भी बड़े बड़े मुनियों के मन को भी आकर्षित कर सकती है। काम का प्रभाव बड़ा प्रचंड होता है। आपने सुना होगा भागवत के नवम स्कंद में शौभरी ऋषि की कथा आती है। एक बहुत बड़ा भारत का ऋषि, बहुत बड़ा तपस्वी, और तपस्या करने चले
तो समाज के लोग, संसार के लोग डिस्टर्ब करने लगे, तब शौभ्र ऋषि यमुना के जल के भीतर चले गए और यमुना के जल के भीतर, यमुना की गहराई में जाकर तपस्या प्रारंभ की। एक दो पांच दस साल के लिए नहीं, 60,000 वर्ष के लिए शौभ्र ऋषि जल के भीतर जाकर तपस्या किए। लेकिन काम का प्रभाव देखिए, 60,000 वर्ष की तपस्या कर चुके हैं, लेकिन उस समय उस यमुना के जल में मछली का समागम देख लिया और बुद्धि बिगड़ गई और तुरंत शौभरी के मन में हुआ कि मैं विवाह करूंगा। उस जल से बाहर आए और मानधाता की 50 कन्या के साथ 50 शादी किए। एक दो किए होते तो भी समझ सकते थे, लेकिन 60,000 वर्ष तक तपस्या करने वाला योगी 50 विवाह किया। इसका अर्थ यह है कि कितनी भी बड़ी तपस्या हो, आप काम से मुक्त नहीं हो सकते। लोग यज्ञ करते हैं, होम हवन करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन काम वासना से मुक्त नहीं हो सकते। काम वासना से मुक्त होना चाहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जे राखे रघुबीर ते, भगवान ही इसे बचा सकते हैं। इसलिए यदि हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें, भगवत कथा सुने, तो भगवान इन काम वासना से हमें मुक्त रख सकते हैं। एक और भागवत का यह शौभ्र ऋषि, 60,000 वर्ष की तपस्या, लेकिन काम से मुक्त नहीं। और कल का इतिहास भक्तों, हमारे भारत का इतिहास, हमारे भारत में बंगाल में एक संत हुए, वैसे उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, परंतु वह कृष्ण के भक्त थे और नाम था हरिदास ठाकुर। और कृष्ण की इतनी सुंदर भक्ति करने लगे, उनको देखकर हजारों लोग कृष्ण भक्त बनने लगे। तो वहां का एक मुसलमान आदमी, वहां का मुसलमान राजा, इस हरिदास ठाकुर के की पवित्रता को भंग करने के लिए एक वेश्या, एक नृत्यांगना को भेजा, जिसका नाम था हीराबाई। बोले, हीराबाई तुम हरिदास के पास जाओ और उसकी पवित्रता को भंग करो, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दूंगा। तो उस नृत्यांगना ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा हरिदास जो है, 3 दिन के बाद हरिदास नहीं हीरादास बन जाएगा। वो नित्यांगना वेश्या हरिदास ठाकुर की कुटिया में गई। हरिदास ठाकुर भगवान का भजन, इनका नियम था रोज 3 लाख नाम जप करते थे। कितने? 3 लाख। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये 3 लाख नाम जप करने में 22 घंटा होता है। तो ये हरिदास ठाकुर 22 घंटे लगातार नाम जप करते और जो 2 घंटे बचते उसमें खाना पीना सोना शौच आदि क्रिया करते। तो ये नृत्यांगना उनकी कुटिया में आई और ये हरि नाम जप कर रहे थे, कहा कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करो। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं पहले मेरा नाम जप पूर्ण करता हूं और उसके बाद ही कुछ काम करता हूं। तो मेरा नाम जप पूर्ण हो जाने दो, मैं आपकी सारी इच्छा पूर्ण करूंगा। वह नृत्यांगना वहां पर बैठ गई और हरिदास ठाकुर शुरू किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम, महामंत्र की ध्वनि बोलने लगे और धीरे धीरे वह ध्वनि उस नृत्यांगना के कान में गई। 2-5 घंटे हुए, थक गई। बोले, आज इसका खत्म नहीं होगा, मैं कल आऊंगी। वो नित्यांगना सज धज कर दूसरे दिन आई, वही कहा कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करो। हरिदास ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा नाम जब कंप्लीट हो जाने था, तब तक आप मेरी राह देखो। वह बैठी, फिर से इन्होंने शुरू किया, हरे कृष्णा हरे राम। तो
तो कल 5 घंटे बैठी थी, आज 10 घंटे बैठी, लेकिन इसका नाम जब कंप्लीट नहीं हुआ, थक गई, बोले कल आऊंगी, कल तो कैसे भी करके इसकी पवित्रता भंग करूंगी। तीसरे दिन आई, बोले मेरी इच्छा स्वामी जी पूर्ण करो, बोले सारी इच्छा पूर्ण करूंगा लेकिन मेरा ही कंप्लीट हो जाने दो। वो आई नृत्यांगना बैठी और इनका महामंत्र शुरू हुआ, शुरू होते 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 22 घंटे जब बीते और हरिदास ठाकुर की जब आंखें खुली तो जो हीराबाई वेश्या नृत्यांगना हरिदास ठाकुर की पवित्रता भंग करने आई थी, 22 घंटे के बाद आंख खोलकर देखा तो वह हरिदास के चरणों में बैठी थी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही थी कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अनर्थ करने आई थी लेकिन आपके मुख से यह पवित्र ध्वनि सुनकर मेरा हृदय शुद्ध हो गया। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं, मैं नरक में से मैं जाना बचना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने ये हरिनाम जप माला दे दी, बोले इस महामंत्र का जाप करो तुम पवित्र हो जाओगे। कहने का अर्थ ये है कि काम जो है, धर्म से विरुद्ध काम जो है ये पाप का स्वरूप है, और इस पाप स्वरूप धर्म विरुद्ध काम से बचने के लिए एक ही रास्ता है और वो है भगवान का नाम, भगवान का भजन। भगवान राम और कृष्ण ही, भगवान की भक्ति ही इस धर्म से विरुद्ध काम से बचा सकती है, अन्यथा कितनी भी बड़ी तपस्या हो, कितना भी बड़ा यज्ञ हो, कोई भी साधन क्यों न हो, इस काम वासना से कोई नहीं बचा सकता। बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं, सहस्त्र बाहु दश वदन आद नीतो बचे न काल बलिते, कोई नहीं बचा इसे। सो इस प्रकार कामदेव पूरे संसार में व्याप्त हो गया। मैं अक्सर एक कथा सुनाता हूं हमारे पुराणों की, कि एक बार व्यास मुनि शास्त्र बोलते थे, और आप सब जानते हैं गणेश जी शास्त्र को लिखते थे, लेकिन व्यास जी समाधि में बैठकर ये महाभारत, ये भागवत, ये सब पुराण बोलते थे और गणेश जी लिखते थे, और बीच में जैमिनी ऋषि उनका एडिटिंग करते थे। ये 3 लोगों का काम था। तो बहुत सारे ग्रंथ लिखते 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 एक ऐसा श्लोक आया जिसमें व्यास मुनि ने कहा कि एकांत में किसी पर पुरुष को किसी स्त्री का समागम नहीं करना चाहिए। इवन एकांत में कोई ऋषि भी क्यों ना हो, उसे अपनी माता के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। तब जैमिनी ऋषि ने कहा कि देखो महाराज, ये दुनिया वालों के लिए ठीक है, लेकिन हम ऋषियों के लिए आप ऐसी बात लिखा रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो व्यास मुनि बड़े बुद्धिमान, किस व्यक्ति को कब कैसे समझाना वे जानते थे, बोले ठीक है, काम करो, वैसे भी संध्या का समय हो चुका है, इसे पेंडिंग रखते हैं, कल सुबह इसे फिर से लिखना प्रारंभ करेंगे, फ्रेश मूड में जो भी अच्छा विचार आएगा लिखेंगे। बोले ठीक है। गणेश जी अपने घर पर, व्यास मुनि अपने घर पर, जैमिनी ऋषि अपने घर पर, जाकर घर पर जाकर सोए, और रात को 12 बजे किसी ने जैमिनी ऋषि का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो असमय में वर्षा बारिश हो रही थी, और एक स्त्री जिसके वस्त्र भीगे हुए थे और निवेदन कर रही थी कि मैं किसी और गांव में जा रही थी, अचानक वर्षा हुई, आप मुझे एक रात के लिए स्थान दे दीजिए। जैमिनी ऋषि ने कहा मैं ऋषि साधु हूं, मैं किसी को स्थान नहीं देता। बोले साधु हो इसलिए तो आपके पास आई, क्योंकि आपके हृदय में करुणा दया है। जब बहुत उस स्त्री ने कहा तो जैमिनी ऋषि कहते हैं आप एक काम करो, आप अंदर रहो, मैं बाहर छत के नीचे सो जाता हूं, और देखो अंदर से दरवाजा बंद कर देना, और मैं भी कहूं तो खोलना मत। ठीक है। स्त्री अंदर चली गई, जैमिनी जी बाहर सोए, स्त्री अंदर सोई, लेकिन उस स्त्री को रात को भीगे हुए वस्त्र में देखा और जैमिनी ऋषि के मन में गलत विचार आने लगे, और रात के 2 बजे खड़े होकर दरवाजा खटखटाया। बोले दरवाजा खोलो। अंदर से वो स्त्री कौन? बोले मैं घर का मालिक, दरवाजा खोलो। बोले आपने ही तो मना किया था।
बोले अब मैं कह रहा हूं खोलो, बोले मैं नहीं खोलूंगी, खोलो नहीं खोलूंगी। जब उस स्त्री ने नहीं खोला तो जैमिनी ऋषि उस घर के कुटिया के छत पर चढ़ चढ़ गए और छप्पर फाड़कर घर पर घुस गए और निवेदन किया कि मैं आपसे इसी समय विवाह करना चाहता हूं। उस स्त्री ने कहा कि मेरा भी सौभाग्य होगा आप जैसे ऋषि से विवाह करना, लेकिन हमारे कुल में परंपरा है कि स्त्री का विवाह तब होता है जब वो किसी घोड़े के ऊपर बैठकर घर की सात परिक्रमा लगाए। जैमिनी ने कहा रात को 2 बजे घोड़ा कहां लेने जाऊंगा। बोले नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आप घोड़ा बन जाइए, आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपके ऊपर बैठ जाते हूं, घर की सात परिक्रमा लगा दीजिए, शादी हो जाएगी। जैमिनी ने सोचा कि रात को 2 बजे कौन देखने वाला। जैमिनी घोड़ा बने, वह स्त्री उसके ऊपर बैठी। जैमिनी जी 1 चक्कर 2 चक्कर 3 4 5 6 7वां चक्कर समाप्त किए और कहा चलो अब नीचे उतरो। वो स्त्री जैसे ही नीचे उतरी और जैमिनी ने खड़े होकर देखा तो वेदव्यास मुनि स्त्री का रूप लेकर आए थे और कहा महाराज क्या विचार है, आपने जो संध्या को निवेदन किया था ठीक है ना, तो कल सुबह जो लिखना है समझ। बोले सुबह नहीं, अभी पोथी पत्रा निकालो, अभी ही लिख देता हूं। दारुवी प्रकृति है मुने रपी मन भक्तो, ये काम का प्रभाव आंधी और तूफान की तरह होता है, आदमी की विवेक बुद्धि को उड़ा देता है, चाहे कितना भी बड़ा पंडित विद्वान प्रकांड ज्ञानी क्यों ना हो। तब गोस्वामी जी कहते हैं इसे एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वह है राम और कृष्ण, क्योंकि आखिर ये काम भगवान की शक्ति है, भगवान उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो काम का प्रभाव पूरे संसार में व्याप्त हो गया और उसी समय शिव जी की समाधि खुल गई। शिव जी की आंखें खुली और देख और उस आम के वृक्ष के पत्तों के पीछे काम देव को छिपे हुए देखा और उसी समय शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और काम देव को भस्मीभूत कर दिया। इस संसार में जो भी काम का प्रभाव है, ये मूर्तिमान काम देव को भस्म कर दिया शिव जी ने अपने आंखों से। किसी ने पूछा शिव जी ने अपने आंखों से काम देव का वध क्यों किया। याद रहे ये काम का प्रवेश आंखों से होता है, ये आंख से बुद्धि में जाता है काम, फिर बुद्धि से मन में जाता है और फिर मन से हृदय में उतर जाता है और फिर हृदय से इंद्रियों में जाता है। शिव जी ने यह सिखाया कि अपने त्रिनेत्र से, नेत्र से काम को जलकर भस्म कर दो, अर्थात अपने आंखों के आगे काम को जाने मत दो, अपनी आंखों से ही काम को जला दो। तो तीसरा नेत्र खोलकर काम को भस्मीभूत किया और कहते हैं जोगी अकंटक भय, जितने भी जोगी थे योगी थे उनको शांति मिली और संसार में जो आसक्त थे वो बेचैन होने लगे। कामदेव की पत्नी रति शिव जी के पास आई, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी, लेकिन शिव जी का प्रचंड क्रोध था। कामदेव की करतूत को देखकर शिव जी परम क्रोधित हो चुके थे। कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी की उपासना प्रारंभ की। आप जानते हैं शिव जी ने कामदेव को किस दिन मारा, वसंत पंचमी के दिन है शिव जी ने कामदेव का वध किया और अपने पति कामदेव को जीवित करने के लिए उनकी पत्नी रति ने वसंत पंचमी से शिव जी को प्रसन्न करना प्रारंभ किया, वो तपस्या प्रारंभ की। लगातार 40 दिन तक कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी की तपस्या की और 40वें दिन शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उसे निवेदन किए।
और ये 40वां दिन कौन सा? वसंत पंचमी से 40वां दिन और कोई नहीं, ये होली का दिन है। होली के दिन की महिमा मैं आपको बता रहा हूं। होली के दिन देवादिदेव महादेव ने रति के ऊपर प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और मैं काम को जीवित कर रहा हूं। काम का शरीर तो नष्ट मैंने कर दिया, आज के बाद ये काम बिना शरीर के ही लोगों के हृदय में व्याप्त होगा। और जब भगवान कृष्ण द्वापर में अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में इस काम का जन्म होगा। तो कहने का अर्थ ये है, होली के दिन की यह महिमा है कि भगवान रति के ऊपर प्रसन्न हुए शिव जी और कामदेव को उन्होंने प्रकट किया था। सो होली से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि होली की अग्नि में हमारे हृदय में जो काम है वो जलकर भस्म हो जाए। कई बार क्या होता है ना, हृदय में जो कामना उत्पन्न होती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसे पूरा कर देते हैं ताकि ये कामना समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हमारे हृदय की कामना जो है वो अग्नि के समान है और कामना को पूर्ण करना ये अग्नि में घी की आहुति के समान है। कोई आग जल रही हो और उस आग में आप घी की आहुति डालो तो क्या आग शांत होगी? हो सकता है कि वह आग कुछ देर के लिए शांत हो जाए लेकिन फिर वह 10 गुना और बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार हृदय में जो कामना है उसे पूर्ण करने से कामनाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। कामना कभी समाप्त नहीं होती। तो होली के दिन भगवान से मांगना चाहे कि इस होली की अग्नि में हमारा जो धर्म से विरुद्ध काम का जो प्रभाव है, जो विचार है, ये जलकर समाप्त हो जाए। सो इस प्रकार होली के पीछे यह भी एक रहस्य है जो कथा रामायण में, भागवत में और शिव पुराण में बताई गई है। राजसूय सभा में नारद मुनि अपने ही शिष्य प्रहलाद के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं, ब्रह्मण्य शील संपन्न। हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज का प्रथम गुण, वे ब्राह्मणों की, संतों की, साधुओं की सेवा करते थे, वे भक्तों की सेवा करते थे। मुझे तत्कालीन, क्योंकि ये शिवजी का प्रसंग सुना है ना, इसलिए मुझे याद आया कि एक बार शिवजी ने पार्वती को ऐसी कथा सुनाई कि पार्वती साधुओं की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो पार्वती के हृदय में लग गया और पार्वती ने कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को फोन किया और कहा कि कल हमारे घर प्रसाद लेने आइएगा। और फोन करके फिर अपने पति को कहा कि पतिदेव, आपने मुझे प्रवचन में कहा ना कि संतों की सेवा करनी चाहिए, तो मैंने कुंभज ऋषि को बुला लिया है। शिवजी ने कहा, इतनी बड़ी दुनिया में और कोई साधु नहीं दिखाई दिया और कोई डिवोटी नहीं मिला, ये कुंभज ही मिला। बोले क्यों? बोले कुंभज ऋषि जब जल पीते हैं तो पूरे समुद्र को पी जाते हैं। हम लोग कभी कभी प्यास लगती पानी पीते ना, तो जो आदमी प्यास लगती है पानी पीता है पूरे समुद्र को पी जाता है, वो भोजन कितना करता होगा। और कल अपने घर आएगा और वो भोजन ठीक से नहीं कर पाएगा, खाली पेट जाएगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन में छपेगा कि शिव के घर पर गए थे और खाली पेट वापस लौटना पड़ा। अभी भी कहता हूं कि प्लान चेंज कर दो। तब पार्वती कहती है कि वो कुंभज है तो मैं भी अन्नपूर्णा देवी हूं। पतिदेव आप चिंता मत करें। बोले तो मैं इसमें भाग नहीं लूंगा, तुम्हें जो करना है सो करो। बोले ठीक है। पार्वती ने अपने अपने प्रभाव से हजारों सखियों को प्रकट किया और उस साधु के लिए भोजन पूरी पकवान तैयार किए। दूसरे दिन साधु आए, चौकी पर बैठे और भोजन परोसना शुरू किया। साधु ने, कुंभज ऋषि ने भोजन खाना शुरू किया, लेकिन भोजन खाने की इतनी उत्कंठा
कि ये पार्वती की सखिया भोजन परोसकर जाती तो खीर चम्मच से नहीं खाते थे, पूरा दोना ही ऐसे पी जाते थे। ये बेचारी परोसकर जाती तब तक तो ये खाली कर देते थे। परोसते परोसते थक गई, सारा माल सामान खत्म होने आया, तब पार्वती को पति के वचन याद आए कि कल बात को मान लिया होता तो अच्छा था। लेकिन पति ने तो कहा था मुझे कुछ मत कहना। अब भोजन समाप्त होने आया और भोजन यदि पेट ठीक से नहीं भरेगा तो श्राप दे देंगे, क्या करे क्या करे। तब पार्वती को कृष्ण की याद आई, कृष्ण अब आप ही कुछ कीजिए। कृष्ण तुरंत 5 साल के बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर आए, दरवाजे बेल बजाए, पार्वती ने दरवाजा खोला, बोले माँ भोजन चाहिए। पार्वती ने कहा ऑलरेडी एक साधु से परेशान हूँ, वो हमारे नाक में दम करके रखा है और तुम आए। बोले मुझे तो थोड़ा सा चाहिए। पार्वती ने सोचा खून एक करो या दो करो, लगनी तो फांसी है, तो क्यों नहीं इसको भी खिला दूं, वैसे भी नाम बिगड़ने वाला है। तो बोले आ जाओ बेटा आ जाओ। तो ये लड़का 5 साल का जीत कर बैठा, बोले ये जो कुंभज बैठा ना उसी चौकी पर मैं बैठूंगा, उसी के साथ मैं खाऊंगा। कुंभज मुंह बिगाड़ रहे हैं, बोले कौन डिस्टर्ब करने आ गया, ठीक है बिठा दो इसे। तो भोजन परोसा, एक दो रोटी खाकर भगवान ने कहा कि अब पानी लाओ। कुंभज मुंह देखने लगे, बोले बस हो गया। बोले हम आपकी तरफ पेटू थोड़ी ना है। तो पानी मंगाया, पिया और हाथ धो दिया उसी थाली में, कुंभज का खाना बंद। पार्वती को बचा लिया और यहां पर कुंभज उस लड़के को गाली देने लगे, बोले साले कम से कम पानी तो पीने दिया होता। तब भगवान ने कहा कि भोजन अभी खिलाया है, पानी में आपको द्वापर युग में पिलाऊंगा। और कथा कुछ ऐसी है, जब इंद्र का प्रकोप हुआ, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और सारा जल जब ब्रज में गिरा तो उस समय कृष्ण ने कुंभज को बुलाया, महाराज आइए और भोजन तो कराया था, पानी अब आकर पी लीजिए। खैर, तो ब्राह्मणीय प्रहलाद महाराज ब्राह्मणों की साधु संतों की सेवा करते थे। भगवान से भी बड़ी सेवा है भगवान के भक्तों की सेवा। ऐसा कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भक्त की सेवा जो है सभी वांछा सभी इच्छा को पूर्ण करने वाली है। इसलिए पूर्ण शक्ति लगाकर साधु संतों की सेवा प्रहलाद महाराज से सीखे। आगे दूसरा गुण कहते हैं शील संपन्न। प्रहलाद महाराज शील संपन्न, प्रहलाद महाराज का बहुत सुंदर स्वभाव था, सौम्य स्वभाव था, सुशील स्वभाव था, सत्य संधो। प्रहलाद महाराज अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य संधो। भागवत में उद्धव जी ने प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण इस दुनिया में सबसे बड़ा वीर कौन है, जो बहुत जिम में जाकर गोले बोले बना लेता है वो वीर है, या बॉर्डर पर लड़ता है वो वीर है, वीर कौन है। तब एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जो सत्य भाषण करता है, जो सत्य बोलता है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेने वाले बचने वाले तो दुनिया में करोड़ों मिलेंगे, लेकिन सत्य के मार्ग पर अड़ग रहने वाले बहुत कम मिलेंगे, और उसे कृष्ण ने वीर कहा है। तो प्रहलाद महाराज में एक गुण था ब्राह्मणीय शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। प्रहलाद महाराज जितेंद्रिय थे और हमारा उल्टा है, हम इंद्रिय जीत है। जितेंद्रिय माने इंद्रियों को जीत लेना, और हमारा क्या है, हमने इंद्रियों को नहीं जीता, इंद्रियों ने हमको जीत लिया है। तीन इंच की सिगरेट, 3 इंच नहीं तो ना मुकेश भाई, सिगरेट के लिए इंच नहीं हुई है, तो 3 इंच की सिगरेट 6 फुट के आदमी को कथा से खड़ा करके मंदिर से बाहर निकाल कर लेकर जाती है। इसका अर्थ यही हुआ ना कि 6 फुट का 80 किलो का आदमी 3 इंच की सिगरेट के वश में हो गया है।
इसे कहते हैं इंद्रिय जीत, इंद्रियों के द्वारा जीता गया है। इंद्रिय जीत आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। जो जितेंद्रिय है, जो जितनी मात्रा में अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है, वह आदमी सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास कर। हमारा क्या ना, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। भागवत ने हमें सिखाया कि हम बुद्धिमान बने। कभी कभी हम बड़ी मूर्खता करते हैं। हम लोग इंद्रियों को सुखी करने के चक्कर में आत्मा को बहुत बड़ी दुर्गति में डाल देते हैं। थोड़ा बहुत इंद्रियों को सुखी करने के चक्कर में, थोड़ा बहुत इंद्रियों को लाभ देने के चक्कर में आत्मा के लिए बहुत बड़ी दुर्गति खड़ा कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है आत्मा की उन्नति कराने के लिए इंद्रियों से तपस्या कराए, इंद्रियों को कसे, इंद्रियों से तपस्या कराए जिसे आत्मा की उन्नति हो। लेकिन हमारा उल्टा है। और आखिर इंद्रियों को भोग देने से कोई सुखी हो नहीं सकता। हम चाहेंगे कि ये बार बार इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे तो इंद्रियां सुखी हो जाएगी। आप इतिहास के पत्ते पलट कर देखिए, इस दुनिया में एक से एक ऐसे राजा हुए, राजा पुरुरवा, राजा ययाति, इन लोगों ने अपना अनुभव जो भागवत में दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति बड़े लोगों के अनुभव से समझ जाता है। श्रीमद् भागवत जी में ययाति महाराज और पुरुरवा महाराज ने अपना अनुभव दिया। बोले किसी व्यक्ति के पास दुनिया की सारी संपत्ति हो जाए, दुनिया की सारी स्त्री उनको मिल जाए, दुनिया की सारी होटलें उनके नाम पर हो जाए और सारे धन के ढेर पर उसे बिठा दिया जाए, फिर भी उसे कहा जाए कि आप संतुष्ट हो गए, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये महाराज पुरुरवा। उनकी आयु कितनी थी? इनका जन्म हुआ था सतयुग में और त्रेता में भी वो जीवित थे। बड़े दीर्घ आयु राजा थे। लाखों वर्ष तक इन राजाओं की आयुष्य थी। इन राजाओं में शक्ति सामर्थ्य था। ऐसे राजा अपना अनुभव देते हैं कि सारा धन संपत्ति सब कुछ मिल जाने के बाद भी इंद्रियां कभी सुखी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सुख भोगों में नहीं है, सुख त्याग में है, त्याग में है। जब तक जीवन में संतोष नहीं है, त्याग नहीं है, तब तक जीवन में सुख नहीं हो सकता। हय धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष, सबसे बड़ा धन है सेटिस्फेक्शन। मैं अक्सर कहता हूं करोड़ों की इमारत में आदमी रहता है, हैं दुनिया का बादशाह है वो, लेकिन हृदय में संतोष नहीं है तो एयर कंडीशन में बैठकर भी वो हृदय जलता रहेगा। और कोई आदमी झोंपड़ी में रहता है लेकिन दिल में संतोष है तो वह झोंपड़ी में रहकर भी आदमी सुखी होगा, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है। और ये संतोष जो है, ये सेटिस्फेक्शन जो है, राम और कृष्ण की भक्ति करने से ही मिलता है। और भक्ति में भी सबसे बड़ा साधन है हरि नाम, भगवान का नाम। हम जितना नाम जप करेंगे, हम जितनी कथा सुनेंगे, हम जितना भजन करेंगे, धीरे 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 जीवन में उतना संतोष होता जाएगा। देखिए आप सीधे सीधे वैराग्य ले लोगे ना तो वो मरकट वैराग्य हो जाएगा, वो श्मशान वैराग्य। लेकिन राम कृष्ण का भजन करके, भजन से जो वैराग्य आएगा वो दृढ़ वैराग्य होगा। जैसे ध्रुव महाराज, चौथे स्कंद में ध्रुव की कथा है ना। ध्रुव को कितनी कामना थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए। मेरे बाप उत्तानपाद, उनके बाप मनु, उनके बाप ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। और इसके लिए निकल गए वन में, 5 साल का लड़का वृंदावन जाकर तपस्या करने लगा। लेकिन जैसे जैसे भजन करने लगा, भजन करते 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 6 महीने बीत गए, भगवान सामने आए। भगवान ने कहा ध्रुव जो चाहिए मांगो, लेकिन ध्रुव कहता है प्रभु आपका भजन करते करते सारी इच्छा ही समाप्त हो गई, मन में संतोष हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
सो इस प्रकार संतोष सबसे बड़ा धन है, इंद्रियों को जीतना ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन ये कब होगा? जब भगवान का भजन करेंगे। उपनिषद में लिखा है हमारा शरीर एक रथ के समान है। आप इमेजिन करो किसी रथ पर 5 घोड़े लगे हुए हैं। ये 5 घोड़े जो है ये आंख कान हाथ नाक ये हमारी इंद्रिया है, और जो रस्सी जो है वो रस्सी हमारा मन है, और रस्सी पकड़ने वाला जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है, और रथ पर जो सवार रथी जो बैठा है वो आत्मा है। हैं? आप इमेजिन करो कि सारथी के हाथों से 5-5 घोड़ों के रथ की लगाम यदि छूट जाए तो उस रथ का क्या होगा? घोड़े दौड़ रहे और हाथ में से लगाम छूट जाए तो तितर भीतर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार बुद्धि के हाथ से मन की लगाम यदि छूट गई तो आदमी का जीवन तितर भीतर हो जाएगा, और हो ही तो गया है। हमें आत्मा के द्वारा बुद्धि को कंट्रोल करना होगा और बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना होगा, लेकिन हमारा उल्टा है। हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, ये सब कुछ मन के कंट्रोल में है, और मन तो बड़ा पागल है। मन तो आप शाम को अपने घर पर शांति से बैठिए और दिन भर आपको जितने विचार आए हैं एक पेपर पर लिखिए, फिर आप उसे पढ़ेंगे ना, आपको लज्जा आएगी, यार मेरा मन ऐसा सोचता है, इसको गिरा दूं, इसका ये कर दूं, उसको वो कर दूं। तो बुद्धि के द्वारा इंद्रियाणि प्राण्याहुं इंद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धि परतस्तु सः, मन को कंट्रोल में। लेकिन ये मन कंट्रोल करे कैसे? मेरे कृष्ण गीता में कहकर थक गए, मन मना भव मत भक्तो मई एव मन आधत्स्व। बार बार कृष्ण ने कहा मन मुझ में लगाओ, मन मुझ में लगाओ, मन मुझ में लगाओ। ये मन कंट्रोल होगा एकमात्र भगवान राम और कृष्ण का भजन करने से। तो प्रहलाद महाराज के ये गुण, ब्रह्मणीय शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय थे। आगे कहते हैं आत्मवत सर्वभूतानाम। प्रहलाद महाराज सभी जीवों को आत्मवत अपने जैसा ही देखते थे, और हम लोग सभी जीवों को अपने से बिल्कुल नीच समझते हैं, मैं ही बेटर हूं, मैं ही सबसे महान हूं। लेकिन आत्मवत सबको अपने समान देखते थे सर्वभूतानाम, और एक प्रिय सुहत्तम, और प्रहलाद सबके सुहद थे, सबके लिए अच्छा सोचते थे। दासवत, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, प्रहलाद महाराज के जीवन की एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, कहते हैं दासवत संयत्यता अंगरी। प्रहलाद महाराज अपने बड़ों के साथ कैसा रहते थे? दासवत। हमें भी सीखना चाहिए इस भक्त से। कभी कभी भक्तों के समाज में देखा है भजन करने वाले बड़े अकड़ कर चलते हैं, लगता है कि बस यही कुछ है इस दुनिया में। लेकिन इतने बड़े महाभागवत के पद पर हैं प्रहलाद, लेकिन दासवत संयत्यांगरी, बड़े लोग के साथ दास के समान रहते थे, उनके चरणों को छूना, उनके चरणों में बैठना। और पितृवत दीन वत्सल, और जो दीनहीन होते थे ना, जो गरीब दरिद्र, अपने से छोटे, अपने से उम्र में छोटे, गुणों में छोटे, धन में छोटे, दीन लोगों के साथ प्रहलाद महाराज पिता के समान रहते थे। जैसे एक बाप अपने बेटों के प्रति करुणा रखता है, बड़ों के साथ पुत्र के समान और दीनहीन के साथ पिता के समान। और भातृवत दृश्य स्निग्धो, और जो अपने से समान थे उनके साथ भाई की तरह रहते थे, मित्र की तरह रहते थे। और सबसे बड़ी बात, बहुत सुंदर ये श्लोक है, दासवत संयत्या आंगरी पितृवत दीनवत्सल भातृवत सदृशो स्निग्धो और गुरुषु ईश्वर भावना।
तो किसी ने पूछा कि भाई गुरु को कैसे देखते थे, गुरु के साथ कैसा व्यवहार रखते थे प्रहलाद? तो कहते हैं गुरु शु, गुरु में ईश्वर भावना, गुरु में तो ईश्वर की भावना रखते थे कि ये मेरा भगवान है। और बात भी सत्य है, हमारे गुरु हमारे लिए भगवान ही है। मैं तो कहता हूं भगवान से भी उत्तम है। लेकिन मैं ये आदेश आपके ऊपर आरोप नहीं कर सकता। मेरे गुरु मेरे भगवान हो सकते हैं, आपके गुरु आपके भगवान हो सकते हैं। मैं आपको तोड़ मरोड़ कर ये नहीं कह सकता कि आप भी इनको भगवान मानो, नहीं। इस दुनिया में किसी को भी हम बाध्य नहीं कर सकते। मेरे कृष्ण ने जब किसी को बाध्य नहीं किया तो हम और आप क्या चीज है। लेकिन एक बात तो सही है कि जिससे हमें योग्य शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, पवित्रता मिले, भाव रस और प्रेम मिले, ऐसे गुरु भगवान के समान है। मैं इस पर बहुत बोला करता था भक्तों, गुरु शु ईश्वर भावन, गुरु में सदैव ईश्वर की भावना रखे, और नहीं रखेंगे तो उनमें दोष देखना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारा देश गुरु में ईश्वर की भावना, गुरु की ओर से गुरु कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं मानता है। ये गुरु की ओर से मैं कहूं तो गुरु तो अपने आप को बहुत हीन नीच समझता है, लेकिन शिष्य की ओर से यदि हम देखें तो शिष्य सदैव अपने आप को गुरु मानता है। मुझे कविराज गोस्वामी याद आते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यदि मोर गुरु है चैतन्य रदास, कृष्णदास कबीर हमारे गौड़ी आचार्य कहते हैं यदि मेरे गुरु अपने आप को चैतन्य का दास समझते हैं, मेरे गुरु अपने आप को भगवान का दास मानते हैं, यदि मोर गुरु है चैतन्य रदास तथापि जानीय आमी ताहार प्रकाश। वो अपने आप को भले दास समझे लेकिन मेरे लिए तो मेरे गुरु भगवान के समान है। कविराज गोस्वामी का ये सिद्धांत चैतन्य चरितामृत। सो गुरु शो ईश्वर भावन, गुरु में ईश्वर की भावना रखते थे शिव प्रहलाद महाराज। तो प्रश्न होगा, चलो गुरु में ईश्वर की भावना रखे, लेकिन किसी गुरु में हम ईश्वर की भावना करें ऐसे गुरु खोजे कहां? आज कलयुग में तो सबसे बड़ा प्रश्न है। मुझे कल ही कोई पूछ रहा था गुरु बनाना है तो क्या करे, पॉइंट आया इसलिए कह दूं। इस कलयुग में गुरु कैसे बनाए, क्योंकि आज गुरु बनाया तो कल टीवी में आ गया कि ये तो जेल में है। सही बात, इस कलयुग में डॉक्टर को पहचानना आसान है, सफेद कोट डिग्री को देखकर आप पहचान लोगे डॉक्टर। इंजीनियर को पहचानना आसान है, पुलिस को पहचानना आसान है, लेकिन गुरु को पहचानना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। गुरु को शास्त्र की चक्षु से देखना और पहचानना होता है। और भक्तों इसमें गुरु का दोष नहीं है, दोष हमारा है, हमारी परख में कमी है। हम अंधी दौड़ करते हैं, हम अंधश्रद्धा करते हैं। किसी को भी गुरु स्वीकार करने से पहले उनकी परीक्षा करो, उनको परखो। 5 रुपए की वस्तु खरीदने से पहले हम 50 बार सोचते हैं, और गुरु करने से पहले हम 1 बार भी नहीं सोचते कि ये किस संप्रदाय का, किस भाव, कौन से मूड, क्या कहां से आया, कहां जाएगा, क्या हमारे पूरे जीवन की जिम्मेदारी। गुरु बहुत बड़ी चीज होती है, गुरु को परखे। यदि आपके मन में है कि हम गुरु बनाए हैं, तो मैं आपको क्लू दे देता हूं। आप इस छोटी से वस्तु से आप में इतनी शक्ति तो आ जाएगी कि आप गुरु को परख सकते हो। शास्त्र के अनुसार इस घोर कलयुग में एटलीस्ट किसी गुरु में 5 गुण हो ना तो उसे हम गुरु बना सकते हैं। लेकिन ये 5 में से भी एक यदि कम हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये बुद्धि प्रधान बात हो जाएगी और हम भाव प्रधान में चल रहे थे। और मैं प्रमाण के साथ, शास्त्र गीता भागवत और रामायण के बाहर की कोई बात यहां से नहीं होगी। तो शास्त्र में लिखा है गुरु की प्रथम योग्यता, फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिफिकेशन कि वो गुरु अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। 80% गुरु आउट।
जैसे मैंने कहा, शिष्य भले गुरु को भगवान माने, लेकिन गुरु कभी भी अपने आप को भगवान स्वीकार नहीं। जिस दिन गुरु ने अपने आप को भगवान स्वीकार किया, उस दिन उतना उनका गुरुत्व समाप्त। क्योंकि गुरु का काम क्या है? गुरु का काम संसार में भूले भटके जीवों को भगवान के साथ जोड़ना है। और गुरु भगवान को बाजू में कर दे और खुद भगवान बनकर बैठे, ये तो बहुत बड़ा पाखंड है भक्तों, ये तो बहुत बड़ी कायरता है। ऐसे गुरुओं की तो पिटाई होनी चाहिए। कभी कभी समाज में होता है ना, हम कुछ लोगों को कहते भाई हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढिएगा, और वो आदमी कोई अच्छा लड़का न ढूंढे और खुद ही उस बेटी के साथ शादी कर ले, तो समाज उसे पिटेगा कि और कुछ होगा? गुरु ब्रह्म संबंध कराता है भगवान के साथ। ये पुष्टि संप्रदाय में सुना होगा, ब्रह्म संबंध या दीक्षा जोड़ना, गुरु भगवान के साथ जोड़ने का काम होता है गुरु का। और खुद भगवान बनकर बैठे वह गुरु नहीं। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन याद रखिएगा कि गुरु वो है जो अपने आप को कभी भगवान न माने। ठीक है, याद रह गया। अब दूसरी योग्यता, गुरु वो है जो राम कृष्ण या विष्णु का भक्त है। शास्त्र प्रमाण, किबा विप्र किबा न्यासी केने शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु वही हो सकता है जो राम कृष्ण और विष्णु का भक्त है। क्योंकि राम कृष्ण और विष्णु स्वरूप जो है नारायण कला शांता भजन्ति ही अनसूय वह, भजन करने लायक भगवान के ये तीन स्वरूप है राम कृष्ण और विष्णु। तो गुरु की दूसरी क्वालिफिकेशन वो राम कृष्ण या विष्णु का भक्त होना चाहिए। देखिए, हम किसी से भी प्रवचन सुने, आजकल तो टीवीओं में बहुत कुछ चलता है, किसी से एक सेंटेंस भी सुने ना, उसके पहले उसको परखे कि मैं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं। कभी कभी हम सोचते हैं ये तो वैसे ही कथा है, ये तो वैसे ही भागवत बोल रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है भक्तों। मैं व्यास की भाषा में कहूं तो पद्म पुराण में व्यास मुनि ने लिखा, सर्प उच्चिष्ट यथा पय। जिस गुरु के जीवन में आचरण नहीं है ना, और वो भागवत के इसी सब्जेक्ट को यदि बोले, तो वो दृष्टांत देते हैं कि दूध में बहुत कैल्शियम, बहुत विटामिन, बहुत गुण होते हैं दूध में, लेकिन उसी दूध को यदि सांप स्पर्श कर ले तो वो जहर बन जाता है। भागवत पवित्र है, जैसे दूध गुणवान है वैसे भागवत बहुत गुणवान है। ये शास्त्र बड़े पवित्र है, लेकिन इस शास्त्र को कोई अभक्त, कोई अयोग्य व्यक्ति स्पर्श करे तो वह जहर की तरह हो जाता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति से हम कुछ उपदेश, कुछ ज्ञान, कुछ शिक्षा सुने, तो पहले परखे ये पांच चीज उनमें है। पहली चीज, वो अपने आप को भगवान न माने, क्योंकि जीव भगवान का दास है। दूसरी, कई बार कुछ लोग कहते ना, शिवो हम सो हम। अब इसका अर्थ भी जानते हैं, शिवो हम माने शिव अहम, शिवो हम माने शिव अहम, माने जो शिव जो है ना, शिव जी अहम, वो मैं ही हूं, तू शिव है। शिव का काम है प्रलय करना, दुनिया का प्रलय छोड़, तू एक दो को तो मार के दिखा, जेल में बंद हो जाएगा। शिव हम नहीं है भक्तों, सो हम, सो माने वह भगवान अहम। उन लोगों का कहना है कि हम ऐसा बोलते रहेंगे ना, सो हम सो हम सो हम, भगवान हम ही है, भगवान हम ही है, तो एक दिन हम भी भगवान बन जाए, क्या खाक भगवान बनेंगे? तब तो मैं आज से ही शुरू करता हूं, करोड़पति अहम करोड़पति अहम, तो एक दिन करोड़पति हो जाऊंगा। ये कोई प्रकृति नहीं है भक्तों, ये विकृति है, ये शास्त्रों का अपभ्रंश है। न तो हम शिवोहम है, न सोहम है, हम तो दासोहम है, हम तो दास है। कोई आदमी आया और किसी आदमी को सिखा कर गया, आज से बोलो सोहम, तो एक भक्त आया बोले सोहम नहीं,
ये मंत्र मत बोलो, नहीं मैं गुरु जी कहकर गए हैं। तो बोले ठीक है जपते रहो लेकिन आगे दा लगा दो। तो क्या हो गया, दासो अहम। वो कोई कोई गलत सिखा कर गया था, सोहम सोहम सोहम, तो भक्त गया, बोले ठीक है उनकी बात में काटता नहीं हूं, उनकी बात में काटता नहीं हूं, लेकिन वो जो कहकर गए वो जपो लेकिन आगे दा लगा दो। तो क्या हो गया, दासो अहम दासो अहम दासो। तो फिर से वो आया आदमी और देखा कि ये तो दासो हम जप रहा है, तो उसने कहा कि ठीक है उसकी बात भी नहीं काटता, आगे तुम सदा लगा दो। तो क्या हो गया, सदा सोहम। आगे स लगा दो तो क्या हो गया, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। तब तक तो वो भक्त आया, बोले ये तो गड़बड़ हो गई है। चलो कोई बात नहीं, उसकी बात को भी मैं नहीं काटता, लास्ट में इतना ही समझ लो, आगे और एक दा लगा दो। क्या हो गया, दास दासो अहम, मैं दासों का दास हूं। तो ऐसी युक्तियां है शास्त्रों में भक्तों। तो मैं गुरु के बारे में कह रहा था, कितनी योग्यता हुई, कितनी क्वालिफिकेशन, दो ही हुई ना, पहली वो भगवान नहीं मानने चाहिए, दूसरी राम कृष्ण विष्णु के भक्त होने चाहिए, तीसरी योग्यता गुरु की, कि एटलीस्ट उस गुरु की छह इंद्रिया कंट्रोल में होनी चाहिए, छह इंद्रिया कंट्रोल में हो। अब आप कहोगे प्रमाण, तो सुनिए, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वाद वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वात्मीपाम पृथ्वीम सशिष्यात। वही गुरु इस पृथ्वी पर शिष्य बनाने के लिए योग्य है जिसकी छह इंद्रिया कंट्रोल में है, वाणी मन क्रोध जिह्वा उदर और उपस्थ। छह इंद्रिया जिसकी, अब जिसकी वाणी कंट्रोल में नहीं, जो कुछ ना कुछ बकते रहता है वो गुरु नहीं है। जिसका क्रोध कंट्रोल में नहीं, जो बात बात में क्रोध, कुछ लोग तो अपने गुरु की भी प्रशंसा कैसे करते हैं, हम हमारे गुरु के पास जाते हैं ना तो वो हम पर क्रोध करते हैं, हमको बाल्टी उठा के मारते हैं, हम समझते हैं हमको आशीर्वाद मिला, वो खाक आशीर्वाद है वो। हमारे गुरु तो बस गाली के अलावा कुछ बोलते नहीं, कितनी बड़ी कृपा उनकी हम पर। किस दिशा में ये समाज जा रहा है, ऐसे हमारे भारत के लोगों में, खास करके गुजरात राजस्थान ये सब प्रांत में श्रद्धा भरपूर है भक्तों, लेकिन कुछ पाखंडियों ने जनता की श्रद्धा को गलत मार्ग पर लेकर चले गए हैं। तब जाकर भागवत के सत्य सिद्धांतों को लेकर हमें आना पड़ता है और उसे अवगत कराना पड़ता है कि ऐसे छोटे छोटे मार्ग में मत चले जाइएगा। ईश्वर ने बहुत बड़ा राजमार्ग तैयार किया है भक्तों, हमारे लिए बहुत बड़ा फ्री वे तैयार किया है भगवान ने सनातन धर्म का, उस सनातन धर्म पर चलिएगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस राजमार्ग पर नहीं चल सकते और छोटी छोटी केड़ियां बना लेते हैं और बस उस छोटी छोटी रास्ते पे हम लोग फंस जाते हैं और जीवन के उद्देश्य को चूक जाते हैं। इस राजमार्ग सनातन धर्म को समझिएगा और सनातन धर्म में सबसे पहले गुरु को ग्रहण करना होता है और उस गुरु की योग्यता मैं आपको बता रहा हूं। पहली योग्यता वो अपने आप को भगवान न माने, दूसरी योग्यता वो राम कृष्ण विष्णु का भक्त हो, तीसरी योग्यता उनकी छह इंद्रिया वाणी क्रोध मन जिह्वा उदर उपस्थ कंट्रोल में हो। तीन हुए। अब जिसको आप गुरु बनाना चाहते हैं ना, उसकी चौथी योग्यता, वो जो बोलते हैं उसका पालन उसका आचरण उनके स्वयं अपने जीवन में होना चाहिए। हैं, कलयुग में तो जब बोलने की बारी आती है ना तो लगता है बस व्यास मुनि का शिष्य ही आ रहा है, लेकिन जीवन में आचरण की जब बात आए तो कोई आचरण नहीं। गुरु वो है जो आचरण से उपदेश देता है। भक्तों एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी आचरण नहीं करता
और वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, उनकी बातें लोग सुनेंगे, लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन लोगों के जीवन में अप्लाई नहीं होगा, सुनने वालों का परिवर्तन नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी, क्योंकि बोलने वाला खुद उसका आचरण नहीं करता है ना। तुम्हें बता गुजरातियों ने शू समझावानो, आपने त्या डायरो थाय, तमने खबर छे ने, आपने त्या गामडा गाममां आम लगभग दर राते डायरा नो प्रोग्राम होय, अने डायरा मां धून संत वाणी है, एक थी एक नरसिंह ना भजन, सूरदास ना भजनो आपने त्या गाय, अने आखी रात हजारो माणसो ई डायरो सांभळे ने भजन मां माथुं धुणावे, वाह वाह वाह। પણ સવાર થાય ને, મેં મારી આંખેથી જોયેલું છે, એટલે ઓલી ઝાડુ મારવા વાળા આવે, જોવે હજારો પાન માવાના પડીકા પડ્યા હોય, રાતભર સુરદાસ કે ભજન, મીરા કે ભજન, નરસિંહ કે ભજન સુને, ઓર માથા ભી હલાયા, ધુણાયા, લેકિન પરિવર્તન કિસી કા નહીં, ક્યું? ક્યુંકિ ગાને વાલા ખુદ સિગરેટ પીએ બિના ગા નહીં સકતા, જો ગા રહા હૈ ખુદ તંબાકુ ગુટખા ખાયે બિના ગા નહીં સકતા, જબ ગાને વાલા ખુદ પવિત્ર નહીં હૈ તો સુનને વાલે કો કૈસે પવિત્ર કર સકતા હૈ। યાદ રહે ભક્તો, જબ કોઈ વક્તા બોલતા હૈ તો માત્ર બોલતા નહીં, એક સૂક્ષ્મ ક્રિયા ચલતી, ઓર વો ક્રિયા ક્યા હૈ, વો અપની ચેતના ટ્રાન્સફર કરતા હૈ। सुनने वाले जो बैठे ना, वक्ता सुनने वाले में अपनी चेतना ट्रांसफर करता है, अब खुद पवित्र होगा तो सुनने वाले में पवित्रता आएगी, और खुद पवित्र नहीं है, आचरण नहीं करता, तो सुनने वाले में कतह पवित्रता नहीं आएगी। हम देखते ना समाज में, लोक में लाखों की भीड़ जुटती है, लाखों की सभा लगती है, घंटों भर प्रवचन भाषण चलता है, लेकिन परिवर्तन किसका हुआ है, जीवन किसका बदला? लेकिन मैं मेरे गुरुदेव का आपको दृष्टांत दूं, 50 साल पहले हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद भारत से अमेरिका आए, बूढ़े थे, 70 साल के थे, और भारत से जब निकले ना 40 रुपये थे उनके पास, भारत में 40 रुपया लेकर कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं जा सकता, वो अमेरिका आने के लिए निकले, न तो यहाँ कोई पहचान, कोई यहाँ उनका नहीं था, लेकिन भक्तों एक चीज थी उनके हृदय में, पवित्रता थी भक्तों। और आए अमेरिका, बोस्टन बंदरगाह पर उतरे, उन्हें यह भी नहीं पता था मैं राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं, न कोई रिसीव करने वाला, कुछ नहीं, एक पार्क में जाकर बैठे और हरे कृष्ण की धुन छेड़े, महामंत्र का कीर्तन करने लगे, और धीरे 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 लोग इसे सुनने लगे, उनके प्रवचन में लोग आने लगे। और आपके सामने भक्तों है ये प्रमाण है, ये अमेरिकी लोग, ये हिप्पी लोग जो रात दिन नशा करते थे, नशे के बिना वो एक घंटा भी नहीं रह सकते थे, लेकिन एक साधु के संस्पर्श में आए और क्या प्रवचन सुने, दो पांच मिनट, दो पांच घंटा, वो भारत के ब्राह्मण सन्यासियों से भी ये हिप्पी पवित्र बन गए। ये क्या था? एक साधु की पवित्रता ट्रांसफर हो रही थी, एक एक शुद्ध भक्त की चेतना ट्रांसफर हो रही थी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप खूब कथा सुने, लेकिन थोड़ा सा परखे हम किससे सुन रहे हैं, क्योंकि जो चीज गले से निकलती है ना वो गले तक रहती है, और जो दिल से निकलती है वो दिल को भेद कर जाती है। भक्तों, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस अक्सर एक छोटी सी कथा सुनाते थे। एक महिला मंदिर में आई अपने 5 साल के बेटे को लेकर, और मंदिर के पुजारी को कहा कि आप इसे महाराज जी समझाइए ना, ये बहुत चॉकलेट खाता है और डॉक्टर ने मना किया है और इसके दांत सड़ गए। स्वामी जी ने कहा कि काम करो, अगले संडे इसे लेकर आइएगा। 7 दिन के बाद वो महिला गई जैसे कहा था। स्वामी जी ने उस लड़के के ऊपर हाथ घुमाया, कहा देखो बेटा चॉकलेट नहीं खाते हैं, चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, कष्ट होगा, तो 5 मिनट समझाया, और आश्चर्य हुआ दूसरे दिन से उस लड़के ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया, चॉकलेट खाना बंद कर दिया। 2 दिन के बाद महिला आई, बोले चमत्कार हुआ, हम तो थक गए थे,
लेकिन ये चॉकलेट बंद नहीं किया और आपके थोड़े से कहने से बंद कर दिया। लेकिन स्वामी जी एक प्रश्न है कि आपने केवल दो पांच मिनट मेरे बेटे को समझाया, समझ गया, तो ये दो पांच मिनट समझाने के लिए आपने 7 दिन क्यों लिए? आप पिछले संडे को ही बता दिए होते। आपने मुझे 7 दिन के बाद क्यों बुलाया? तब उस स्वामी जी ने कहा कि 7 दिन पहले जब तुम मेरे पास आए ना, तो मैं भी भरपूर चॉकलेट खाता था, हैं? दिन में 10-10 बार खाता था। ये जो भी ठाकुर जी को चढ़ती थी ना, वो मैं ही खाता था। और मैं जब तक चॉकलेट खाऊं और दूसरों को उपदेश दूं कि आप मत खाओ, वो कैसे जीवन में परिवर्तन कर सकता है? इसलिए 7 दिन पहले मैंने अभ्यास किया, मैंने चॉकलेट त्यागा और फिर मैंने उपदेश दिया, इसलिए आपका बालक इसे स्वीकार किया। कहने का अर्थ यह है, गुरु की एक योग्यता है कि वो जो बोले उसका आचरण उनके अपने जीवन में होना चाहिए, नहीं तो चक्की के ऊपर कुछ और बात, चौकी के ऊपर कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं आपकी कथा में ये तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं। कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। एक ऐसे ही कोई एक स्वामी जी थे और गुरु जी थे, गांव के गुरु, प्रवचन करते थे, पूरा गांव एकत्रित हो जाता था। गांव वाले देखते गुरु जी प्रवचन बढ़िया करते हैं, सब लोग आते हैं, गुरु जी की पत्नी क्यों नहीं आती? हम लगभग एवं जो मन मारी आम मारी तो आई से आज मैं राह देख रहा था कब आए तब मैं एग्जाम्पल दूं। तो कुछ महिलाएं गुरुजी के घर पर गई और कहा कि देखो, अब गुरु की पत्नी तो गुरु माँ होती है ना। बोले माँ, हमारे गुरुजी प्रवचन करते हैं और आप नहीं आती, आप आओगी तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। गुरु पत्नी ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये आपके गुरु मेरे पति जब जाते हैं ना प्रवचन में, उसके लिए भोजन बनाना होता है। बोले एक दिन जल्दी भोजन बना लीजिए, लेकिन आप प्रवचन में आइए, हमारा उत्साह बढ़ेगा। बोले ठीक है, आज मैं जल्दी भोजन बना कर आ जाऊंगी। तो पहले ही भोजन बना लिया, गुरु की पत्नी प्रवचन में जाकर बैठी और गुरु जी ने शुरू किया, बोलने में एक्सपर्ट। शुरू गीता का श्लोक उठाया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यदि कोई व्यक्ति तमोगुण में सत्व गुण में रहकर कार्य करता है तो मरने के बाद सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में रहकर कार्य करता है तो 84 लाख की योनियों में फंस जाता है, और यदि कोई व्यक्ति तमोगुण में रहकर कार्य करता है तो मरने के बाद नरक में जाता है। इसलिए सत्वगुणी कार्य करने चाहिए, तमोगुणी कार्य त्याग देने चाहिए, और तमोगुण कार्य को कर्म को त्यागने के लिए हमें तमोगुणी आहार त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि द्रिवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यदि आहार शुद्ध है तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध है तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध है तो कार्य शुद्ध होगा, और कार्य शुद्ध है तो हमारी गति शुद्ध होगी। तो इस प्रकार से गुरु जी ने प्रवचन किया, गांव वालों ने तालियां बजाई, लेकिन गुरु जी की पत्नी खड़ी होकर घर पर चली गई। प्रवचन समाप्त हुआ, प्रश्न उत्तरी हुई, गुरु जी सब कुछ समाप्त करके घर पर आए और एज यूजुअल पत्नी ने भोजन परोसा। गुरु जी ने पहला निवाला मुख में डाला, डालते ही थूक दिया, निकाल दिया बाहर। बोले भाग्यवानी, क्या बनाया तुमने? ये सब फीका फीका क्यों लग रहा है? तब उस गुरुजी की पत्नी ने कहा कि आज मैं आपके प्रवचन में आई और आपने कहा कि तमोगुणी आहार नहीं खाना चाहिए। आपने कहा कि प्याज और लहसुन तमोगुणी होते हैं। मैं तो आपको आज तक मेरे हाथों से प्याज लहसुन वाला भोजन खिलाती रही। मैंने कितने अपराध किए आपके, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन आज मुझे पता चल गया, जैसे ही मैंने आपसे सुना कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, तुरंत घर पर आई, सारे ऑनियन गार्लिक फेंक दिए, प्याज लहसुन वाला भोजन भी फेंक दिया और बिना प्याज लहसुन वाला भोजन बनाया। तब गुरुजी ने कहा, पगली, ये उपदेश तो गांव वालों के लिए था, मेरे लिए तो डबल प्याज लहसुन डालकर भोजन बनाना चाहिए। अब ऐसे गुरु से यदि ज्ञान ग्रहण करे या दीक्षा शिक्षा ले तो क्या होगा?
तुम बने गुरु, हम बने चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला। ये दुनिया में ठेलम ठेला ही चल रहा है। गुरु जी अपनी जेब भर रहे हैं, शिष्य को छूट दे रहे हैं कि जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, लेकिन डोनेशन समय से पहुंचा दीजिएगा, हमारी दुकान ठीक से चलनी चाहिए। यह है गुरु। गुरु के नाम पर पैसों में आ सकती धंधा बिजनेस चल रहा है, ये कोई गुरु नहीं है। तो कहने का अर्थ, गुरु वो है जो जीवन में आचरण करें और फिर उपदेश करें। कितने हुए? चार। और फिर पांचवा, गुरु वो है जो चार संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित है। आपका ये सब क्या है? आप अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हो तो ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज है, कि फिर ऐसे आलतू फालतू किसी के घर पे छोड़ देंगे? है ना, गवर्नमेंट रिकग्नाइज कोई यूनिवर्सिटी में भेजेंगे? ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में शिक्षा दीक्षा देने के लिए भगवान ने चार यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसे शास्त्रीय भाषा में संप्रदाय कहते हैं। चार संप्रदाय वास्तव में देखे जाए तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए मात्र चार संप्रदाय। पद्म पुराण व्यास मुनि ने लिखा, ओरिजिनल संप्रदाय मूल मात्र चार संप्रदाय। इस चार संप्रदाय के अलावा जितने भी संप्रदाय हैं, ये कलयुग के मन और बुद्धि की उपज है। आज तो रोज नया दिन होता है, कहते हैं वहां दो संप्रदाय नए खुले हैं। ये कोई दुकान है कि कोई खोल देगा? ये भगवान के द्वारा बनाए गए संप्रदाय है, और वह चार मूल संप्रदाय, वैलिड संप्रदाय जिसे हम कह सकते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय माने भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली उसे ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। शिव जी को ज्ञान दिया, शिव जी से जो परंपरा चली वह रुद्र संप्रदाय है। लक्ष्मी जी से परंपरा चली श्री संप्रदाय, और सनत कुमारों से परंपरा चली कुमार संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय के कलयुग में वाइस चांसलर हुए ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य और कुमार संप्रदाय के निंबाकाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। तो इन परंपरा में कोई गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित है, क्योंकि भक्तों गुरु शिष्य परंपरा में जिसका स्थान होता है ना, उसी का कनेक्शन भगवान से होता है और वो ही दूसरों का कनेक्शन भगवान से करा सकता है। तो ये परखना होगा। हम संसार की साधारण विद्या को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी क्लास ये वो परखते हैं, आत्मा का उद्धार करने के लिए इतने बड़े ज्ञान शिक्षा दीक्षा जब लेने जा रहे हैं तो क्या ये परखने की आवश्यकता नहीं है? आप कहोगे चलो बाकी सब ठीक है, हम आपका क्यों सुने? आपका स्थान कहां पर है? यदि किसी की जिज्ञासा हो तो हमारा स्थान ब्रह्म संप्रदाय में है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास को दिया, वेदव्यास ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने अक्षोभ्य को दिया, अक्षोभ्य ने नरहरि, नरहरि ने माधव, राजेंद्र, विद्यानिधि, इस प्रकार से करते करते ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से रूप, सनातन, जगन्नाथ बाबाजी, हैं भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्ण दास बाबाजी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और इसी परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उन्हीं के शिष्य हुए राधा गोविंद गोस्वामी, और उनके शिष्य हुए हम। ये है परंपरा। तो इस प्रकार से खोजना होगा परंपरा से ज्ञान। परंपरा का अर्थ समझते हैं, यहां पर यह लाइट है, यहां केवल लाइट है, करंट यहां पर नहीं है, विद्युत बोर्ड करंट यहां से कई माइल दूर है, लेकिन ये लाइट और विद्युत बोर्ड के बीच में वायर का कनेक्शन है,
और वायर का कनेक्शन होने के कारण विद्युत बोर्ड में जो करंट है वही करंट यहां पर है। ये परंपरा जो है ना, जो करंट भगवान के पास है वही करंट परंपरा में उतरता है, उतना ही करंट ये वायर के समान है। इस करंट को पकड़ लिया, इस परंपरा को पकड़ लिया, तो आज नहीं तो कल ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि आपने पूछा इसलिए हमने आपको बताया गुरु की योग्यता, क्योंकि प्रहलाद महाराज गुरुषु ईश्वर भाव, ऐसे गुरु में ईश्वर की भावना करें। संसार के साधारण एक हमारा ही एक आदमी था, गया दिल्ली में, कहा गुरुदेव मेरा कुछ कीजिए, मेरा कुछ कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। गुरु जी ने कहा कि कल से मेरा ध्यान करो, मेरे मंत्र का जाप करो, जा बच्चा तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। वो जानता था गुरु जी तो खैनी खाते हैं, और गुरु जी का ध्यान में क्या करूँ, वो खैनी खा रहे हैं ये ध्यान करूँ, गांजा पी रहे हैं ये ध्यान करूं, आखिर गुरु जी का ध्यान करे तो क्या करे। गुरु जी ने कहा मेरा ध्यान करो, मेरा मंत्र जपो, तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। तब वो जो लड़का था महाराष्ट्र से गया था, गुरु जी आज आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, ये मैं पूरा महाराष्ट्र आपको दान में देकर जा रहा हूँ, डोनेशन कर। गुरु जी ने कहा ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है, तू मुझे दान में देने बैठा है, ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है। तो वो आदमी बोला तो क्या वैकुंठ आपके बाप का है, मैं आपका ध्यान करूंगा और मैं वैकुंठ में पहुंचूंगा। वैकुंठ जाने के लिए तो वैकुंठाधिपति राम और विष्णु और कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ना। सो कुल मिलाकर योग्य गुरु चुने और फिर उस गुरु में गुरुषु ईश्वर भावना, प्रहलाद महाराज में गुण था। आगे बहुत सुंदर बात है, आपको आनंद आ रहा है इसमें, है ना? ओके, आगे कहते हैं विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो, बहुत सुंदर। प्रहलाद महाराज में और गुण क्या था, विद्या थी उनमें। आगे आप सुनोगे कि जब स्कूल में जाते थे तो उनके क्लास टीचर जो भी उनको पढ़ाते थे तुरंत याद कर लेते थे, विद्या थी प्रहलाद के पास। और क्या था, अर्थ, धन भी बहुत। अरे हिरण्यकश्यपु का बेटा, क्या कमी होगी, ये तो सब कुछ आप कल सुना ना, सारा सब कुछ जीत चुका था ये। तो विद्या भी थी प्रहलाद के पास, अर्थ धन भी था और रूप भी था। विद्या अर्थ रूप जन्माढ्यो, रूप भी सुंदर था प्रहलाद का। तो विद्या अर्थ रूप जन्माढ्यो और उच्च कुल में जन्म भी हुआ था। आप कहोगे उच्च कुल कैसे, चलो भले प्रहलाद हिरण्यकश्यपु असुर का बेटा है, लेकिन हिरण्यकश्यपु किसका बेटा, आखिर तो कश्यप की संतान है ना ये, है? कितनी उच्च सीमा में कश्यप ऋषि थे, तो आखिर कश्यप के ये वंशज है, बहुत उच्च कुल में इनका जन्म हुआ। तो विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो, अब आप मुझे इतना कीजिए, आज कलयुग में किसी के पास विद्या हो, डिग्री हो, रूप भी हो, उच्च कुल में जन्म भी हो और पैसा भी भरपूर हो, ऐसा आदमी अभिमानी हो बने बिना रह सकता है? लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या कहते हैं, विद्या धन रूप और उच्च कुल में जन्म होने के बाद भी मानस स्तंभ विवर्जित, रत्ती भर में उनमें अभिमान नहीं था, न रूप का अभिमान, न विद्या का अभिमान, न धन का अभिमान, कोई अभिमान नहीं था। न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय, व्यसन, व्यसन माने दुख, प्रहलाद के जीवन में दुख तो आते थे। अब देखिए संस्कृत का यह शब्द है व्यसन, और संस्कृत का यह शब्द व्यसन का अर्थ होता है दुख। संसार में समाज में कई लोगों को व्यसन होते हैं, जानते हैं, समझते ना व्यसन है? किस चीज का व्यसन होता है मुकेश भाई, हम मुझे गिनाई है, मैं नहीं, आपने तो सब छोड़ दिया है, मैं तो जस्ट जानना चाहता हूं कि व्यसन किस चीज का होता है। व्यसन जो है ना, व्यसन शराब का होता है, सिगरेट का होता है, तंबाकू का होता है, प्रतीक भाई गुटखा का होता है ना व्यसन, और जुआ का व्यसन होता है, और फिर चाय का व्यसन होता है, होता है नहीं,
चाय व्यसन होता है, तमे क्यों तो आ राखी, तमे ना क्यों तो ना राखी, आपड़े शू राखो छे, हूं ओला गुरु ने जेम थई जाओ, जो खाना है खाओ, बस समय से दक्षिणा पहुंचा दीजिएगा। नहीं, चाय भी एक व्यसन है भक्तों, ये कटु सत्य है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार तो करना ही होगा। भागवत जी में लिखा गया है चाय और कॉफी एक व्यसन है। आज मैं कहूँ ना आप चाय छोड़ दो, कहेगा चाय नहीं छूटेगी, चाय छोड़ देंगे तो सर दर्द करता है, मतलब यही हुआ ना कि व्यसन है आपको, नशा हो गया है आपको। यदि नशा ना होता तो आप छोड़ भी सकते थे, तो ये नशा है, इसमें टॉक्सिन है, कैफेन है ना, तो चाय कॉफी एक नशा है। तो ये सारे नशे जो है ना दुख देने वाले हैं। खैर, आप तो ये सब नशा नहीं करते होंगे, आप लोगों को कोई व्यसन नहीं होगा, ये सब पवित्र आत्माएं बैठी हैं, तो मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं, है? और जोर दूंगा तो फिर दूसरी कथा नहीं होगी, तो मारे तो हम बधु हाचवानू ने, है? तो देखिए, बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, मत तुम्हें पता गुजराती हो, तमने शू कहू वे। खैर, तो न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय। प्रहलाद के जीवन में बहुत बहुत व्यसन होते थे, व्यसन माने दुख आते थे, लेकिन कितना भी बड़ा दुख आ जाए, न उद्विग्न चित्त, उसका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता था। ये व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है भक्तों। हमारे जीवन में क्या ना, हमारे जीवन में हमारे मन से थोड़ी भी विपरीत कोई घटना घट जाए ना, हमारा चित्त उद्विग्न हो जाता है। न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय, बहुत सुंदर बात है। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात एतत् त्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, नरक में जाने के सीधे तीन रास्ते हैं, तीन हाईवे जो है सीधे नरक में जाते हैं। वो तीन हाईवे के नाम क्या है, रूट 75 है? नहीं, I-75 है। तो ये I-4, तो ये कौन से रूट है? त्रिविधम नरकस्य इदम, नरक में जाने वाले तीन रास्ते कौन से? काम क्रोध और लोभ, ये तीन रास्ते जो है सीधे नरक में लेकर जाते हैं। इसलिए तस्मात, इसलिए एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इसे त्यागे, इसे त्याग दो। सबसे पहले काम को त्यागो। मैं आपको एक थोड़ी गहरी बात करूं, आप इस पर चिंतन मंथन करें ना, तो पता चले काम जो है वर्तमानवादी है। ये सूत्र याद रख लीजिए, काम वर्तमानवादी है, क्रोध भूतकालवादी है, और लोभ भविष्यवादी है। ठीक है, काम वर्तमानवादी, काम वर्तमानवादी कैसे? काम जब आदमी को हुआ तो वर्तमान में ही उसे चाहिए, नो भूत नो भविष्य। अब भी मुझे कामना कुछ ऐसी होती है जो वर्तमानवादी है। हमें क्या करना है टेक्निकली, आप सब इंजीनियर हो, थोड़ी टेक्निकली बात बता दो। काम वर्तमानवादी है, उसे भूतकाल में बदल दो। बस हमको काम को उखाड़ कर फेंकना नहीं है, कभी उखाड़ ही नहीं पाओगे, काम निकाल ही नहीं पाओगे। ये जो चीज है सो है, ये प्रकृति है, लेकिन डाइवर्ट तो कर सकते हैं कि वर्तमानवादी काम को भूतकालवादी बना दो। बस केवल इतना करना है, काम वर्तमान, जो वर्तमान में जो काम आया ना, उसे भूतकालवादी बना दो। मतलब जब वर्तमान में काम आए तो भूतकाल में जिन जिन को कामना उत्पन्न हुई और उन उनके जो हशर हुए, जो रिजल्ट आया, उनका चिंतन करो। और क्रोध भूतकालवादी है। क्रोध कब होता है? पास्ट में कुछ ऐसी क्रिया कोई कर दिया तो हमको क्रोध हो जाता है ना, इसलिए क्रोध को भूतकालवादी कहा गया। तो क्रोध जो है ना, इसे, ये भूतकालवादी क्रोध को भविष्य के लिए कर दो। अर्थात जब भी आपको क्रोध आए भूतकाल के लिए, तो क्रोध को भविष्य में ट्रांसफर कर दो कि आज नहीं, मैं क्रोध करूंगा, नो डाउट है, तो कहां जाएगा, लेकिन आज नहीं, मैं कल या परसों।
बस केवल उसको भविष्य में टाल दो। क्रोध को आप नष्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना आप कर दो जब भी किसी पर क्रोध आए, खास करके पत्नी को पति पर, पति को पत्नी पर, यदि केस सुधारना चाहते हो तो, नहीं तो बिगड़ जाएगा। जब भी क्रोध आए, क्रोध भूतकालवादी है, उसे भविष्यवादी कर दो। भविष्य में करूंगा, भविष्य। तबला बजाया आपने कभी? तबला बजाने वाले को देखा आपने कभी? तबला जो बजाते हैं ना, तबला, जब जब उसे बचा, तबला बजाने की बारी आती है, तब उसे उसी उसकी रस्सी को टाइट करते, खींचते हैं, और जब उसका प्रोग्राम समाप्त हो जाता है तो फिर से ढीला कर देते हैं, है ना। तबले की रस्सी 24 घंटा टाइट रखेंगे तो फिर वो टेम्पर इतना धीरे धीरे बढ़ जाएगा, फिर वो बजेगा ही नहीं। हम चाहें कि समाज के लोग हमारी बात सुने तो हमारे तबले की रस्सी तब चढ़ाए जब आवश्यकता हो। कुछ लोग 24 घंटे तवे पर ही रहते हैं, हम बतावान होता है, वात न करी शको तमे। આપણે આટલી આટલી કથા કરીએ, કથામાં આટલું આટલું હસાવીએ, છતાંય અમુક મોઢું ચડાવીને બેઠા, તો મોઢું ચડાવી, એ તો ઘરેથી કસમ ખાઈને આવ્યા છે, કાંઈ પણ થઈ જાય, પ્રલય થઈ જાય, આપણે હસવાનું તો નથી। આદમી કો જબ બહોત બહોત કુછ સમૃદ્ધિ આદિ મિલ જાતે તો વો આદમી સ્તબ્ધ હો જાતા હૈ, સ્તંભ બન જાતા હૈ। ખેર, તો क्रोध भूतवादी है, उसे भविष्यवादी कर दो। और लोभ जो है ना, लोभ भविष्यवादी, हम लोभ किस लिए करते हैं? भविष्य के लिए करते हैं ना। लोभ क्यों है? जमा करे, लोभ करे भविष्य के लिए। तो लोभ जो भविष्यवादी है उसे वर्तमानवादी कर दो। हम भविष्य के लिए लोभ करते हैं, उसे वर्तमान के लिए, वर्तमान में बदल दो कि भाई कल का क्या ठिकाना है। ये जो हम लोभ कर रहे हैं भविष्य के लिए, कल का क्या ठिकाना, भगवान न करे, लेकिन घर पर जाए और सुबह जगेंगे भी क्या नहीं, क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं भक्तों। अने एटले ज आपड़ा गुजरात ना संते गायू छे ने, कठण चोट छे काल नी रे मरण मोंघेरो मार, कईक राणा ने कईक राजिया हे छोड़ी चाला छे संसार, हे ते हरी नो रस पीजिए, माली वीणे छे रूड़ा फूलड़ा रे कणियो करे छे विचार, आज नो दीन रणिया मणो हे काले आपड़े शीरधार, हे ते हरी नो रस पीजिए, हे ते हरी नो रस पीजिए। अरे सौराष्ट्र के संत कहते हैं कि काल का कोई भरोसा नहीं है, वो दृष्टांत देते हैं के माली विणे छे रूड़ा फूलड़ा। ये जो माली होते ना, रोज सुबह बगीचे में जाकर फूल को चुनता है, लेकिन जो खिले हुए फूल हैं उसको वो ले लेता है, तोड़ लेता है, और जो कलिया होती है उसे छोड़ देता है। लेकिन कलिया सोचती है कि आज इस फूल की बारी, कल हमारी बारी है, है? है? संसार में मरना तो कभी बंद नहीं होगा। हो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, हो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी। जैसे मोमबत्ती जलकर पिघल जाती है, वैसे आदमी एक ना एक दिन खत्म हो जाता है, और फिर क्या होता है, नाम रहता है। फोटो फ्रेम में आदमी टंग जाता है और फिर स्वर्गवासी फलाने भाई सीधा नरक में गया है, दारू पिया शराब पिया, ये स्वर्ग में जाएगा कभी? आने स्वर्ग ना केड़ा मड़े क्या रे, सीधा नरक में गया है। लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना भाई, स्वर्गवास है। कुछ लोग कहते हमारे पिताजी जब देह छोड़े ना तो वो भगवान के सामने देख रहे। तेरा बाप कभी भगवान को देखेगा? जेरे जे क्या रे, मंदिर ना पगथिया नहीं चढ़ो, ये भगवान ने जो है। हो नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रहेगा क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो लोभ जो है भविष्यवादी है, उसे वर्तमान में बदल दो। और किसके लिए लोभ करो, समय बहुत कम है भक्तों, समय बहुत कम है। धन के लिए लोभ करोगे तो ये कभी पूरा होने वाला नहीं है, जितना करोगे उतना कम धन तो। और धन कितना भी मिल जाए आदमी सुखी नहीं हो सकता। लोभ करना ही है तो जीवन की सांस के लिए करो कि ये सांस कब खत्म हो जाएगी, भजन कर ले। और कभी भी मृत्यु आए तो अफसोस ना रहे। खैर, तो प्रहलाद महाराज के विषय में कहते हैं, न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय। और एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात, पुरुषों के लिए तो है ही, स्त्रियों के लिए खास। अमेरिका की स्त्रियों के लिए नहीं, भारत की स्त्रियों के लिए, नहीं तो केस बगड़ी जैसे। क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज में, और एक गुण क्या था जो हमको ये गुण लेने लायक है, न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रियः। और क्या कहते हैं, श्रुतेषु दृष्टेषु। प्रहलाद महाराज जो भी देखते थे आंखों से और जो भी कानों से सुनते थे, वो दृश्य और वो सुनने वाली बात, ये बाहरी तत्व को नहीं देखते थे, उनके पीछे उनके गुण को देखते थे। गुणेषु वस्तु दृक्, उस वस्तु के गुण को देखते थे। अर्थात कोई वस्तु सामने आई तो उस वस्तु के गुण को देखे, अर्थात ये सत्व रजस तमस का मिश्रण और कुछ नहीं है। किसी भी चीज को हम देखे तो उसकी तत्व को देखे। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दूं कि यही कथा है। इस कथा में कोई महिला 500,000 डॉलर की साड़ी पहन कर आई और किसी ने 100 डॉलर की साड़ी पहनी है, तो 100 डॉलर वाली सोचती है कि ये महिला कितनी अच्छी है, कितनी सुखी है कि 1,000 डॉलर की साड़ी पहनती है और मेरे पास 100 डॉलर की है। ये है साधारण बुद्धि। लेकिन प्रहलाद महाराज की तत्व बुद्धि थी। तत्व बुद्धि क्या है, किसी ने 100 डॉलर की साड़ी पहनी और 1,000 डॉलर की साड़ी यदि किसी ने पहनी है तो तत्व बुद्धि जिसमें वो क्या देखेंगी कि मुझे सुखी होने के लिए केवल 100 डॉलर काफी है और उसको सुखी होने के लिए 1,000 डॉलर की जरूरत पड़ी, मतलब वो मेरे से ज्यादा दुखी है। मैं तो 100 में ही सुखी, उसको तो 1,000 की जरूरत पड़ रही है, तो मेरे से पीछे है वो। ये है तत्व दृक, ये है तत्व ज्ञान। तो प्रहलाद महाराज जीवन में जो भी देखते सुनते तत्व दृक, तत्व से उसे देखते और सुनते थे। दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धीसदा प्रशांत कामो रहितो सुरः सुरः। भागवत में दो लोगों के लिए प्रशांत शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसे असंख्य चरित्र भागवत में, लेकिन दो भक्त ऐसे हुए जिसे प्रशांत कहा गया। एक तो कृष्ण के सखा सुदामा और दूसरे प्रहलाद महाराज। प्रशांत, प्रशांत माने प्रहलाद महाराज की इंद्रिया शांत थी। हमारी इंद्रिया दसों दिशा में, आंख में दृश्य देख लूं, कान में गाने सुन लूं, जीवा में टेस्टफुल भोजन कर लूं, हमारी इंद्रिया सारी दिशाओं में भाग रही है। लेकिन प्रहलाद प्रशांत कामो माने
उनकी सारी इंद्रियां शांत थी, इंद्रियों का वेग नहीं था। देखिए भोजन जीवन की आवश्यकता है, लेकिन जीवन चल जाए इसलिए भोजन करें। कुछ लोगों का तो जीवन ही भोजन है, पैसों की धन की आवश्यकता है, लेकिन जीवन को टिकाने के लिए कुछ लोगों का तो जीवन ही धन बन चुका है, तब तो ये सक्सेस जीवन नहीं है। यस्मिन महद गुणा राजन गृणंते कवि भीर्मो। अरे नारद मुनि ऐलान करते हैं कि हे राजन, ये जो गुण मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, बड़े बड़े कवि प्रहलाद के गुण गाते थकते नहीं है। यस्मिन महद गुणा राजन गृणंते कवि भीर मुह, मुह माने बार बार, बड़े बड़े कवि लोग, शास्त्रीय लोग, भक्त गण बार बार प्रहलाद के गुण गाते रहते हैं। और नते अधुना पिधीयन्ते यथा भगवत ईश्वरे, बार बार लगातार प्रहलाद के गुण गाने के बाद भी प्रहलाद के गुणों को अंत नहीं कर पाते, जैसे भगवान के गुणों का अंत नहीं कर पाते वैसे। यथा भगवत ईश्वरे, जैसे भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है, वैसे ही भगवान के ये भक्त प्रहलाद के गुणों का कोई अंत नहीं है। यम साधु गाथा सदसी रिपो वपी सुरा नृप। युधिष्ठिर, आप तो अपने दुश्मन के भी गुणों को सुनने वाले भक्त हो, तो ऐसे साधु के गुण सुनने में क्या कहना। गुणेर अमल असंख्य महात्मन तस्य सूच्यते। युधिष्ठिर, इतना ही समझो कि प्रहलाद में असंख्य गुण है, लेकिन सबसे बड़ा गुण, देखिए प्रहलाद के आपने बहुत सारे गुण सुने। युधिष्ठिर महाराज, अब नारद जी ने कहा कि उसमें तो भगवान की तरह असंख्य गुण है प्रहलाद में, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि सबसे बड़ा, सबसे प्रहलाद का ये सारे असंख्य गुणों में सबसे बड़ा गुण कौन सा है ये बता दीजिए। और देखो भाई, ये इतने सारे गुण, हम भी कहां ये सब अर्जन करने जाएंगे, कोई एक गुण बता दो जिसमें ये सारे गुण आ जाते हैं। जैसे भारत में 2000 की नोट होती है ना, उसमें 1000 की, 500 की, 10, 50 चिल्लर सारे अंदर निहित होते हैं, वैसे कोई एक गुण प्रहलाद का सबसे बड़ा बता दो, जो गुण आ जाने से ये सारे गुण आ जाएंगे। गुणे अलम संख्ये महात्म्यम तस्य सूचते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, यस्य नैसर्गिकी रति। गुणेर अमलम संख्ये, असंख्य गुण है प्रहलाद में, लेकिन युधिष्ठिर राजन, सभी गुणों में, सभी गुणों का सरताज, सबसे शिरमोर गुण प्रहलाद में ये था कि वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में यस्य नैसर्गिकी रतिम, भगवान वासुदेव कृष्ण में हृदय से उनका प्रेम था, उनकी भक्ति थी, सबसे बड़ा गुण। कहने का अर्थ ये है भक्तों, ये जितेंद्रिय, ये सत्य संकल्प, ये ब्रह्मणीय, शील संपन्न, ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे यदि हम वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। ये सब गुणों को अलग अलग अर्जन करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग रूप में प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, आप कृष्ण की भक्ति करो, ये सभी गुण अपने आप आ जाएंगे। भागवत प्रमाण है, एक तो ये प्रहलाद महाराज और अन्य भागवत के किसी एक श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, यस्यास्ति भक्ति भगवन अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। भगवान की अकिंचन भक्ति जिस किसी में भी आ गई ना, एक एक गुण कृष्ण भक्ति का, राम भक्ति का गुण जिसमें आ गया, उसमें प्रहलाद के ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। राम कृष्ण की भक्ति करने वाला, शुद्ध भक्ति करने वाला अपने आप जितेंद्रिय हो जाएगा, अपने आप सत्यभाषी हो जाएगा, अपने आप ब्राह्मण सेवी हो जाएगा, अपने आप ये सारे गुण आ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने फूल जैसे छोटे छोटे बालकों को और कोई गुण सिखाए या न सिखाए,
एक कृष्ण भक्ति राम भक्ति का गुण सिखा दीजिए, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। और उससे विपरीत आप अपने बालकों को भले अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे दो, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी दे दो, अच्छे से अच्छा वस्त्र दे दो, भोजन दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन कृष्ण भक्ति का गुण नहीं मिला तो वो बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे या भी नहीं, इसमें डाउट है। लेकिन एक बार अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति सिखा दो, वे बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे, आपकी बात मानेंगे, इसकी गारंटी भागवत देता है। वेदव्यास सुखदेव इनकी गारंटी देते हैं, ये गुण आप अपने बच्चों को सिखा दीजिए। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज में ये बहुत सुंदर गुण था कृष्ण भक्ति का, और कृष्ण भक्ति की परम चरम सीमा में थे प्रहलाद। इसलिए न्यस्त कृष्ण को बालो जड़वत तन मस्तया, कभी कभी प्रहलाद खेलते खेलते जड़ हो जाते थे, स्तब्ध कोने में जाकर बैठ जाते थे। और कृष्ण ग्रही ग्रहितात्मा न वेद जगदिदृशम, मानो ऐसा लगता था कि कोई ग्रह पकड़ लिया है। कभी किसी को कोई ग्रह लग जाता है ना तो उटपटांग हरकत करता है, मान लो कोई ग्रह प्रहलाद को लग चुका है, इस प्रकार से प्रहलाद की हरकत होती थी। तो किसी ने पूछा कौन सा ग्रह लगा था, बोले काला ग्रह लगा था। काला ग्रह कृष्ण का ग्रह लगा था, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रहण लिया। और सबसे सुंदर बात क्या थी, न वेद जगदिदृशम, प्रहलाद जगत के बारे में कुछ नहीं जानते थे और जानना चाहते भी नहीं थे। मुझे मेरे गुरु के शब्द याद आ रहे हैं, इस शब्द में परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते थे कि न वेद जगदिदृशम, प्रहलाद का इतने सारे गुण होने का कारण क्योंकि वो संसार की बातों में वो उलझते नहीं थे। भगवान को, ये महाराज जी के शब्द है, गुरुदेव के शब्द, भगवान को याद रखना चाहते हो तो संसार को भूलना होगा। आप चाहो कि संसार को भी पकड़ूं और भगवान को, तो ये हो नहीं सकता है। हमारा तो क्या है ना, रोज सुबह उठकर सबसे पहले न्यूज पढ़ते हैं, दुनिया भर का कचरा वो न्यूज़पेपर वाला अपने हमारे घर पर डालकर चला जाता है, और हम प्रेम से उसे, जहां वेद पढ़ने चाहिए, गीता भागवत जैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो हम दुनिया भर का कचरा खोलकर बैठते। होता क्या है उसमें, नाम केवल न्यूज है, न्यू और एस लगा दिया, बोले नई चीज है इसमें, नया क्या, खाक है, ये मर गया, ये मर गया, ये गिर गया, यहां ये गोली लगी, ये लगी, केवल नाम और एड्रेस चेंज है, मैटर तो एक ही होती है। जगत को भूलना होगा, ईश्वर को याद कर। तो न वेद जगत इदृश्यम, जगत का कोई ख्याल नहीं था। आसीत पर्यटन शयान प्रपिबन ब्रुवन न अनुसंधत एतानी गोविंद परिरंभित। आसीन बैठते समय, पर्यटन चलते समय, शयानम सोते समय, पीते समय, खाते समय, बोलते समय प्रहलाद को कोई अपना अनुसंधान नहीं रहता, पूर्ण भाव में आविष्ट रहते थे। 2400 घंटा प्रहलाद महाराज आविष्ट रहते थे भाव में, 2400 घंटा भगवत भाव में आविष्ट। तो आजकल के लड़के भी रहते हैं, लेकिन ये बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों की हीरो हीरोइनों में आविष्ट रहते हैं कि मैं फलाना एक्टर हूं, मैं फलानी एक्ट्रेस हूं, ये भी आविष्ट ही हुआ ना। लेकिन प्रहलाद महाराज आविष्ट रहते थे भगवत भाव में, भगवत भाव में आविष्ट रहते थे। हमें भी आविष्ट रहना चाहिए, कोई नंद बाबा के भाव में आविष्ट हो जाए, कोई यशोदा मैया के भाव में आविष्ट हो जाए, और फिर अपने लाला को हैं सजाए। यमुना जल मा केसर, ये है आविष्ट, वल्लभाचार्य ने सिखाया हैं, ऐसा आविष्ट होना चाहिए। वो धूम मचा ले वो आविष्ट नहीं होना है हमको हैं। यमुना जल मा केसर घोड़ी स्नान करावूं शा, हलके हाथे अंगो चोड़ी लाड लडावूं
कितने सुंदर बात कि लाला कितना छोटा सा है, कोमल है, हल्के हाथों से उनके अंगों को साफ करूं। अमुक लोगों तो ओला वासण धोवानो पाउडर लेन भगवान ने उटकी नाखे हैं, भगवान को मांज देते हैं, वो वायर लेकर और वो बर्तन धोने का पाउडर लेकर, अरे ये ठाकुर जी ये भगवान है, हैं इसमें कुछ भाव भाव होना चाहिए। हल्के हाथे अंगो चोड़े लाड लडावो श्यामला, तो ये सब भाव है भक्तों। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि संसार का कोई साधारण लड़का भी होता है ना, तो एक बाप अपने बेटे से कितना प्रेम करता है। आम काई लेवनु न होय, कोलसा जेवो काळो होय, चड्डी पेरी न पेरी, नाकमाथी गंगा जमना वहती होय, काई ठिकाणा न होय, तो मारो पपूडो, मारो टटुडियो, मारो चिंटू, काई लेवानु न होय, छताय। लेकिन प्रहलाद में इतने सारे गुण होने के बाद भी हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से द्वेष किया, यहां तक प्रहलाद को मारने का प्रयास साधन, यहां तक कहा कि आदमी को अपने पड़ोस के बच्चे में भी प्रेम होता है ना, पड़ोसी का बच्चा भी घर पर आया ना तो प्रेम छलकता है, पड़ोस के बच्चे में भी प्रेम होता है, और हिरण्यकश्यपु का अपना बेटा और इतना गुणवान, फिर भी हिरण्यकश्यपु ने द्रोह किया, इसका कारण क्या था?